ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. अच्छा, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. क्या बात है, तो अच्छा लग रहा है हमारे शो पे आके. बहुत बहुत अच्छा बनाया भाई सेट आपने, एकदम प्यारा सा, क्यूट सा, एकदम आपके कपड़ों जैसा कलरफुल है और मजा आ रही है, मजा आएगा. चलो भाई, बहुत बढ़िया यार. तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारे बचपन से स्टार्ट करते हैं. बचपन से शुरू, क्योंकि सब जानना चाहते हैं भाई, सिद्धार्थ निगम बच्चों का हीरो, सबका हीरो. देखिए बचपन, हाँ ये बताओ कहाँ से हो वैसे. तो मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, यूपी प्रयागराज से, और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो खेलगांव पब्लिक स्कूल से हुई है, और मैं वहीं जिमनास्टिक्स भी करता था. हाँ, जो अलाहाबाद, ट्वेल्थ मैंने अपना पूरा अलाहाबाद प्रयागराज से किया है, एंड जिमनास्टिक्स भी मैं वहीं करता था. और जिमनास्टिक मेरा मेन मोटिव हमेशा से रहा है, स्टार्टिंग से. पाँच, जब मैं आई थिंक 6 साल का था तब से शुरू किया था जिमनास्टिक्स करना, और जब मैंने शुरू किया था तब से मेरा वो पैशन बन गया करना, और फिर मैं जिमनास्टिक्स में ज़्यादा फोकस रहता था, पढ़ाई से ज़्यादा जिमनास्टिक्स. सिद्धार्थ भाई, 6 साल के बच्चे को तो शायद ही पता हो जिमनास्टिक क्या होता है, जिमनास्टिक इसमें क्या होता है. आपको कैसे इंटरेस्ट कैसे बना इस चीज़ में, स्कूल में था आपका ये सब गेम? नहीं नहीं, हम मतलब हमारे स्कूल में नहीं था ये सब. हमारा प्रॉपर जिमनास्टिक्स ट्रेनिंग सेंटर अलग था. अच्छा. लेकिन इंटरेस्ट की बात रही तो जैसा आपने बोला, ऑफ कोर्स हमें तो नहीं पता होता था जिमनास्टिक्स क्या होती है, और जिस गांव से हम लोग आए उधर तो ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ, बट उस वक्त आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वहाँ पे, कि वो अपने बच्चे को देखें, परखें, समझें, और उनकी एनर्जी को कहाँ पे यूज़ होनी चाहिए वो प्रॉपर जगह जाके उन्हें प्लेस करें. तो ऑल थैंक्स टू माय मदर, उन्होंने देखा कि ये बहुत शरारती, बहुत चंचल और एक जगह टिकता नहीं है, इसको ऐसी उछल कूद करता रहता है, और इसको ऐसी जगह डालती हूँ जहाँ पर ये थके, क्योंकि मैं तो एकदम बिंदास बंदा रहता, बच्चा रहता था, खेलता कूदता, बहुत हरकतें करता था मैं जो बता नहीं सकता. सब पूछेंगे अभी. हाँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा है जिमनास्टिक, जहाँ पर देख रहे हैं बच्चों को कूटा जा रहा है. अच्छा. उनकी स्ट्रेचिंग कराई जा रही है और बच्चे रो रहे हैं. अच्छा. और उसके बाद थक हार के बेचारे अपनी मम्मी के पास जाके सो जाते हैं डायरेक्ट. मैंने कहा, मम्मी ने बोला ये सही चीज़ है इसके लिए, तो फिर उन्होंने ज्वाइन करवा दिया. फिर मेरा ही मन लगने लगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी एनर्जी थी, मेरी जो सारी चीज़ें थी वो प्रॉपर जगह यूज़ होने लगी. हाँ. तो वहाँ से फिर मैं जिमनास्टिक्स शुरू कर दिया करना. मतलब 6 साल के जब तुम थे तब से स्टार्ट किया, देन उसके बाद गोल्ड भी मैंने सुना बहुत जीते तुमने. हाँ, मेडल. ये स्टार्टिंग से कितने साल बाद से स्टार्ट हुआ? तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 साल मैंने प्रैक्टिस करी, और आई थिंक सेकेंड ईयर से ही मैंने स्टेट लेवल खेलना शुरू कर दिया. और स्टेट लेवल पे मैंने तो वहाँ तक तो मेडल्स नहीं मिलते थे, स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, तो सर्टिफिकेट्स जीतना शुरू कर दिया मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे. तो मेरा ना इंटरेस्ट और बढ़ता गया. ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे हाँ इतना अच्छा हाँ सर्टिफिकेट्स मिल रहा है. और फिर वो मेरा पैशन बन गया. मतलब जिमनास्टिक्स करते करते उसे मैंने अपना पैशन बना लिया. अभी जिमनास्टिक ऐसा है कि इट्स इन माई ब्लड, सो मुझसे रहा नहीं जाता अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ, वर्कआउट ना करूँ अपना, या जिमनास्टिक्स ना करूँ, तो मुझे थोड़ा एम्प्टी फील होता है. कुछ रह गया यार मुझे करना. अगर मैं एक महीना नहीं करता वर्कआउट ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे कुछ फील अच्छा नहीं होता, इसलिए डिमांड करती है. हाँ, तो वो होता नहीं कि यार मुझे वर्कआउट करना ही है, मुझे मिस नहीं करना अपना वर्कआउट और अपना जिमनास्टिक्स करना है. तो वहाँ से फिर मेरा वो जर्नी शुरू हो गई. और आई रिमेंबर जब मैं खेल रहा था तो मैं ऐसे मेडल्स नहीं जीत पाया था. अच्छा. मतलब एक दो बार सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकेंड जीता, उसके बाद मेरा बंद हो गया जीतना ही. अच्छा. तो 4 साल तक कुछ नहीं हुआ मेरा ऐसा कि, तो मुझे लगा कि यार, तब मेरी मम्मी तो यू नो ऐसे आप बैठे रहते हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात आपको हिट कर जाती है, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोल देता है, और या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि यार आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम. वो एक छोटी सी उम्र में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके यू नो सर पर आ जाती है, और जब आपको पता होता है कि मेरा सिर्फ मेरी माँ है, मेरे बड़े भाई और कोई नहीं है, एंड और मेरे जो फादर है, आई वॉज वेरी यंग जब मेरी पास रहे, तो मुझे ऐसे ही लगा था कि यार नहीं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अब तो वो पूरी शिद्दत से करूँगा, और बीट एनी थिंग, बीट स्टडी, बीट जिमनास्टिक्स, बीट एनी थिंग, आई जस्ट गिव माई 100%. सो वहाँ मैंने सोचा कि अब अगर मैं कर रहा हूँ तो आई हैव टू अचीव एंड आई हैव टू बी नंबर वन. बिकॉज हमारे स्कूल में मतलब ऐसे ही बोला जाता था कि बेटा कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड में रहो, Always remember to give your best and become number one there. That's it. वैसे हो अब number one. बिल्कुल यार, मैं मानता हूँ. अभी भी मतलब I'm still struggling भाई. I'm still learning. Movie देखी मतलब अलग ही level. अलग ही level. Thank you. तो अच्छा ये वो बाद में करेंगे. अब बात आते हैं कि उस time पे जब ये चल रहा था आपका gymnastic, and then उस time पे पढ़ाई में तो ध्यान होता नहीं होगा. पढ़ाई में क्या? कैसे manage करते थे दोनों?
पता नहीं मैनेज हो गया, हो गया। हाँ मतलब मैं ऐसा पढ़ाई में इतना ही बुरा नहीं था। हाँ, अच्छा खासा था मतलब, क्योंकि ना हमारे हम लोग जितनी प्रैक्टिस 8-8 घंटा हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो स्कूल जाते तो एक तो एनर्जी नहीं रहती थी, तो बैठे बैठे अगर हिस्ट्री वाली टीचर या इंग्लिश वाली टीचर पढ़ा रही होती है, 2-3 बार तो नींद ले लेते थे आराम से। तो पढ़ाई में हाँ डेफिनेटली ऐसे पढ़ाई में उतना कभी फोकस नहीं हुआ मैं, बट जैसे जैसे मेरा क्लास बढ़ता गया, स्टैंडर्ड बढ़ता गया इन यो स्कूल में, लाइक जैसे मैं 4th, 5th, 6th, 7th में आने शुरू कर दिया, तो वहाँ से थोड़ा सीरियस भी हो गया पढ़ाई को लेकर। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर फील्ड में आई वॉन्टेड टू अचीव, लाइक हर फील्ड में चाहता था कि मैं बेस्ट रहूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ। तो मेरा ऐसा लगता है कि अगर मैं जिमनास्टिक्स कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं पढ़ाई भी साथ साथ करूँ और एटलीस्ट अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ वहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट की मैं परवाह नहीं करता था, क्या रिजल्ट आएगा कैसा आएगा, बस मुझे लगता था मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपना 100% दूँ, और अगर मैंने अपना 100% दिया उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। सो मेरा हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट।